और बिठाना। आपने यहाँ पर सेट चालू किए यहाँ पर? जी सर, सेट चालू किया था। मैं लाया था मैक्रोमैक्स का 120 जो वाइट डिस्प्ले था, मैंने सीपीयू को निकाला और उसे रिबाल करके फिर से बैठाया। उसमें कुछ भी मिलन सर ने या किसी और सर ने आपकी मदद की है क्या? नहीं सर, नहीं किए। वो सब मतलब पहले आपको सिखाया, पहले उसमें प्रॉपर नॉलेज दी कि कौन सेट में कहां से फॉल्ट आती है, फॉल्ट पहचाना, फॉल्ट पहचाना। तो उन्होंने पहले बताया था कि अगर इसकी अभी ऑनलाइन फ्लैशिंग हो रही है जो हम ऑफलाइन कर रहे हैं आपके सामने, ये लाइव फ्लैशिंग है दोस्तों। ये अभी तक बहुत सारे लोगों ने बताया है, करा किसी ने नहीं है, तो ये पहली बार यहाँ पे लाइव फ्लैशिंग कर रहे हैं ओप्पो A83। तो मिलन कैसे तोड़ा, ये क्या तोड़ा, ये क्या हम वीडियो में बताएंगे या कैसे समझाएंगे? सर ये अगर देखिए सर, मैं अगर बताना चाहूँ आपको कि आप अगर वीडियो में देख के सीख रहे हो वो गलत है। आप आके यहाँ प्रॉपर नॉलेज लीजिए, उसके बाद ये जो फाइल है मेरा, ये फाइल है, ये फाइल दिखा दे रहा, ये OFP फाइल है। हमने इसको तोड़ के हमने इसके मदद से हमने स्केटर फाइल निकाले, जो देख सकते हैं ये वाला स्केटर फाइल तो लगाते हैं, है ना। अभी देखिए डायरेक्ट पोर्ट नहीं बना रहा है, ये मीडिया टेक का डायरेक्ट पोर्ट नहीं बना रहा है, डायरेक्ट चालू हो रहा है दोस्तों। अब ये देख सकते हैं, तो देख सकते हैं अभी क्या चालू कर, ये देख सकते हैं दोस्तों ओप्पो लिख के आए गए, है ना, ये चालू हो चुके हैं अभी। अभी देखते हैं इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है, और ये इनसे सबसे पहले मुलाकात करता हूँ। आप कहाँ से आए? हेलो सर, मैं कर्नाटका से हूँ। आपका नाम क्या है? शिकिर पंसल। शिकिर पंसल, अच्छा आप मुझे ये बताओ कितने दिन हो गए आपको ईएमसी क्लास में? सातवा दिन हो गया। और क्या क्या चीज आपने यहाँ पे की है, क्या क्या चीज समझे विस्तार, थोड़ा जल्दी जल्दी बता दो। सर रिबॉलिंग सीखा सर, रिबॉलिंग मतलब रिबॉलिंग आ जाएगा आपको? हाँ अभी आ जाता। और आईसी को बिठाना? आपने यहाँ पे कोई सेट चालू किए? हाँ सर, मैंने मेरे खुद के दो तीन हैंडसेट चालू किए। दो तीन हैंडसेट आपने खुद के चालू किए, अच्छा ये बताइए कि बेस मेन बेस क्या है ईएमसी, मतलब क्या आप सीखने आते हैं यहाँ पर? डेड वुड रिपेयर। तो आप डेड वुड रिपेयर आप सीखे यहाँ पर? अगर जेटेक की बात करूँ या यूएफआई की बात करूँ, दोनों पर आप काम कर सकते हैं बड़े अच्छे से? मिलन सर ने कैसे समझाया यहाँ पर? बहुत अच्छी तरह से समझाया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो आपको क्लास लगती है वो कितने घंटे की लगती है? 7 से 8 घंटे की। तो देखो ये चीज आप ऑनलाइन भी सीख सकते थे, पर आप एक इंस्टीट्यूट में आए, इसी टेलीकॉम को चुना, वो क्यों चुना थोड़ा बताओ। सर प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा है सर, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए भी हमको। सर ये चीज आप ऑनलाइन भी सीख और बारीकी से हम समझा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में सर हम वही चीज समझते हैं जो समझाया जा रहा है। सर सर, है ना, जो भी डाउट है पूरा क्लियर हो जाता है सर, क्लियर हो जाता है। अच्छा मैं आवाज आप क्या बताने वाले हैं यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर क्या बताने वाले आप यहाँ? सर ये ओप्पो का हैंडसेट है सर, ओप्पो A83। हाँ ये सिर्फ पोर्ट बना रहा है सर, फ्लैशिंग भी नहीं ले रहा। अभी हम इसे MRT से फ्लैश करके दिखाएंगे। दिखाओ जरा जो ये जो मोबाइल है सर, ये जो मोबाइल है, एक स्टूडेंट ने क्या हुआ कि ISP पिन ऐप के थ्रू इसको डैमेज कर दिया, इसकी सॉफ्टवेयर ब्रेक हुई है। ठीक है, इसको हम बिना MMC निकाले इसको सिर्फ हम MRT के थ्रू हम बनाएंगे, MRT के थ्रू फ्लैशिंग करेंगे। जो इसका फ्लैश फाइल आती है वो OFP का फ्लैश फाइल आती है, लेकिन हम उस फाइल को तोड़ के स्केटर फाइल में बदल देते हैं या बदल देंगे? कोई भी फाइल को हम तोड़ सकते हैं ना, और फाइल को तोड़ के हम सिर्फ क्या करेंगे, कौन सी फाइल से? MRT से फ्लैशिंग करेंगे। जो क्या नहीं, जो मिराकल और कोई भी बॉक्स नहीं करता, सिर्फ बूट पकड़ता है और MRT और MRT से सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, जो हम अगर इनको बताए तो अभी आप 7 दिनों में जो सीखे हैं आपने, जो आप कोई भी पेस्टेड आईसी हो, जो भी आईसी हो आप निकाल सकते हो बिना प्रिंट उखाड़े, है ना। जो भी प्रिंट उखड़े हो कौन सा हिस्सा होगा? MC होगा, है ना। अगर अभी अभी मैं बताऊं आपको, जैसे उखड़ भी गए तो बना लेते। अगर मैं बताऊं आपको कि IC निकालना और लगाना कितना आसान हो गया, आसान हो गया सर। मतलब ये चीज हमको पहले बहुत ज्यादा मुश्किल थी, जैसे चार्जिंग कनेक्टर निकाल के लगाते हैं उसी तरह आसान हो गया है ना। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर हम ये सोचते रहते हैं कि ऑनलाइन सीख लेते हैं, ऑनलाइन में वो क्या क्या चीज जो है जो सीख नहीं पाते हैं। ऑनलाइन में सर ये सिखाते हैं सिर्फ प्रोग्रामिंग, आपको नहीं करके दिखाएगा वो, है ना, करके नहीं। हम यहाँ पे आपकी जो भी हैंडसेट है वो करके दिखाए, है ना, आप खुद भी किए, है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं, एक स्टूडेंट और है मेरे साथ, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? पुणे से। आप ये बताओ एशिया टेलीकॉम को क्यों चुना पुणे से? आप मुंबई जा सकते, दिल्ली जा सकते थे, एशिया टेलीकॉम को क्यों चुना? मैं सर एशिया टेलीकॉम अच्छा है, वीडियो देख देख के मैंने
वो सीख दिया सो यूट्यूब पे देखिए कुछ सीखा, लेकिन वो प्रॉपर तरह से नॉलेज नहीं था मुझे, इसलिए मैं यहाँ आया सर। और ऑनलाइन क्यों नहीं सीखा आपने? ऑनलाइन उतना नॉलेज मिलता नहीं, जहाँ तो प्रैक्टिकल से हाथ से सिखाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में तो फीस भी कम है, 3,000-5,000 में सिखा रहे हैं, फिर क्यों उतना नॉलेज नहीं देगा सर ऑनलाइन सीखने के लिए। अच्छा, तो आप ये बताओ आपने यहाँ पर क्या क्या किया है काम? और यहाँ से रिबॉलिंग करना, EMCIC बिठाना, पेस्ट वाले आसन से निकल सकते, जैसे चार रॉकेट निकल देना आसन से, जैसे पेस्टराइसी उसको निकालना बिठाना, बाद में उसमें प्रोग्राम करना। आपने यहाँ पे सेट लाइव किए अपने? हाँ सर लाइव किए, उसमें सीपीयू निकाल के लगाया आपने? निकाल के लगाया, पेस्टर से कोई निकाल के लगाया। चलिए ठीक है, यहाँ पे मेरे साथ एक और स्टूडेंट है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का भी स्टूडेंट है। आप मेरे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन सी क्लास में करके गए? सर मैं 28 मार्च में आया। 28 मार्च, मुझे ये बताओ कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के बाद में आपको कैसा काम का अनुभव हुआ है आपसे करने के बाद? सर बहुत काम का है, पहले हम लोग समझते है कि हमें बहुत नॉलेज है, यहाँ जब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम किए तो हमें पता चला कि हम नॉलेज उतना नहीं था। मतलब कितने साल से कर रहे थे काम? मैं सर ज्यादा देर से नहीं सर, लगभग आपका 6 महीने के आसपास से किया हूँ फ्रेशर फुल टाइम, और उसके वहाँ उस आपके रिव्यू को देखकर फिर मैं यूनिवर्सिटी क्लास पे ज्वाइन किया। एमसी क्लास मतलब तुम क्योंकि और एक एक्स्ट्रा लेवल पे जाना चाहते थे सर। सो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के बाद भी तुमको, क्योंकि तुमने एशिया टेलीकॉम को ही चुना जी सर। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे स्टूडेंट जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की क्लास करके फिर मेरे को वापस EMC के लिए चुना, क्यों मुझे चुना और कहीं भी जा सकते थे? क्योंकि सर यहाँ पर जो यहाँ के EMC क्लास में हम पहले भी देखा हूँ, मैं जब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्लास में आया था तो यहाँ पर स्टूडेंट को हाथ से सिखाया जाता है, मतलब उनका आउटपुट आपने देखा? आउटपुट देखा है सर कि वो सेट ऑन करके जाते हैं, खुद स्टूडेंट ऑन करके जाते हैं सेट। अच्छा, EMCIC निकाल के CPU निकाल के उसको बिठा कर सेट ऑन करके जाते हैं। तो आप भी तो सोच सकते थे कि घर पे बैठ के सीख लेता हूँ, तो सर घर में प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलता सर, प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलता, बस थ्योरी कर सकते हैं, लेकिन हाथ में जितना प्रैक्टिस हो पाता है वो प्रैक्टिस नहीं हो पाता सर। तो यहाँ पर मिलन सर ने कैसा समझाया बताइए? सर यहाँ पर मिलन सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, हमने GTA का प्रोग्रामिंग सीखा, UPI का प्रोग्रामिंग सिखाया है, साथ में पेस्टेड ऐसे निकालना और बिठाना। आपने यहाँ पर सेट चालू किए यहाँ पर? जी सर सेट चालू किया था, मैं लाया था माइक्रोमैक्स का 120 जो वाइट डिस्प्ले था, मैंने CPU को निकाला और रिबॉल्व करके फिर से बिठाया। उसमें कुछ भी मिलन सर ने या किसी और सर ने आपकी मदद की है क्या? नहीं सर नहीं किए, वो सब मतलब पहले आपको सिखाया, पहले उसमें प्रॉपर नॉलेज दी कि कौन सेट में कहां से फॉल्ट आती है, फॉल्ट पहचाना, फॉल्ट पहचाना, तो उन्हें पहले बताया था कि अगर डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ज्यादातर CPU से होता है। अच्छा चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मतलब आपको कैसा लगा है, सेटिस्फाई है कि नहीं है? सेटिस्फाई है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, सो दिखा दो सर इस सेट को, बताओ मिलन सर। ये देखिए ये जो मोबाइल है, ये हम अगर यहाँ सीधा लगाए ना सर, तो ये डायरेक्ट पोर्ट बना रहे हैं, ये देखिए सर, डायरेक्ट सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ये देख सकते हैं पोर्ट पे टेक सर, और ये देखिए सर MediaTek की ओनली पोर्ट बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और हम इसको सिर्फ हम क्या करेंगे सर, अभी इसका जो TP पॉइंट होता है ना, बूट पॉइंट इसको, इससे हमने एक जम्पर लिए है। मैं आपको बता दूं ये ऑनलाइन फ्लैशिंग है, ये ओप्पो A3 मॉडल है जिसकी अभी ऑनलाइन फ्लैशिंग हो रही है, जो हम ऑफलाइन कर रहे हैं आपके सामने, ये लाइव फ्लैशिंग है दोस्तों। ये अभी तक बहुत सारे लोगों ने बताया है, करा किसी ने नहीं है, तो ये पहली बार यहाँ पे लाइव फ्लैशिंग कर रहे हैं ओप्पो A3 मॉडल। हमने एक TP से हमने जम्पर ले लिए है ना सर? ठीक है सर, तो अभी हम जो MIT में आएंगे, एक बार उसकी फाइल दिखा दो जरा, इन लोग को पता होना चाहिए कि जो फाइल आती है ना सर, ये देखिए ये फाइल आती है उनकी, ये फाइल आती है, एक बार उसको खोल के दिखा दो जरा फाइल को, कि वो ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। देखिए सर ये वाला फाइल आती है, ये जो OFP फाइल है ना सर, ये डाउनलोड टूल को ही खोलो डायरेक्ट, ये देखो दोस्तों आपको यहाँ पे मॉडल दिखाई दे रहा होगा ओप्पो का A3 CPHI, और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि अभी वो थोड़े देर बाद देखिए खुलता है, अभी वो देखो आगे इसको कैंसिल करो सर। देखिए दोस्तों तो मिलन ये चीज क्या है बताइए? ये सर ओप्पो का जो यूजर आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है, उसके बाद ही ये फ्लैशिंग होता है। हमने क्या किया, इस टूल पे ना जाके हमने सीधे ये जो फाइल है इसकी OFP फाइल है ना सर, ये जो फाइल है, इस फाइल को हमने तोड़ दिए, तोड़ के हमने क्या फाइल निकाले सर,
तो मिलन कैसे तोड़ा, ये क्या तोड़ा, ये क्या हम वीडियो में बताएंगे या कैसे समझाएंगे? सर ये अगर देखिए सर, मैं अगर बताना चाहूँ आपको कि आप अगर वीडियो में देख के सीख रहे हो वो गलत है। आप आके यहाँ प्रॉपर नॉलेज लीजिए, उसके बाद ये जो फाइल है मेरा, ये फाइल है, ये फाइल दिखा दे रहा, ये ओएफपी फाइल है। हमने इसको तोड़ के हमने इसके मदद से हमने स्केटर फाइल निकाले, जो देख सकते हैं ये वाला स्केटर फाइल, ठीक है। इस स्केटर फाइल को सर हम जो है ना एमआरटी के थ्रू फ्लैशिंग करेंगे। तो एमआरटी के थ्रू फ्लैशिंग करने के लिए सर यहाँ आएंगे, राइट फ्लैश में क्लिक करेंगे और ओप्पो ओनली पे क्लिक करेंगे सर, ठीक है सर। यहाँ पे फाइल का लिंक देंगे, देख सकते हो आप, मैं बैक लगाता हूँ आपको, उसी देखिए ओप्पो 83, ठीक है। ये वाला फाइल फॉर्मेटर टूल और ये वाला स्केटर को मैं लोड करता हूँ, ठीक है सर। अभी इसको मैं स्टार्ट दबाता हूँ और इसको मैं देखिए सर, इसको क्लॉक के साथ जो लाइनिंग है मेरा टीपी की लाइनिंग, इसको ग्राउंड करूंगा, ये सर टेस्ट पॉइंट ग्राउंड कर लिया सर। अभी यूएसबी लगाओ, ये लगा दिया यूएसबी। तो देखिए यहाँ पे फ्लैशिंग चालू हुई है, कनेक्ट किया, अभी फिलहाल बूट लिया, इसने सक्सेस बूट ले लिया है, यहाँ पर ये तो फेल बता देता है। अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप करके करते तो फेल बता देता है, फेल बताता है इसने। तो देखो बूट ले लिया है इसने। तो दोस्तों यहाँ पर जो फ्लैशिंग हो रही है आप देख रहे हैं, पहले हम आपको थोड़ा फ्लैशिंग रनिंग पे दिखाते हैं, परसेंटेज जब चालू हो जाए। तो ये बहुत लंबी फ्लैशिंग है, में टाइम लग जाता है, 15-20 मिनट में, 15-20 मिनट लग जाएगा। तो इसको हम थोड़ा पॉज करके आपको 99 का पूरा दिखा देंगे और उसके बाद में फिर आपको कंटिन्यू करेंगे इसके साथ। देखिए ये फ्लैशिंग शुरू हुई, प्रीलोडर के फाइल राइड हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे रीडिंग है आपके सामने, थोड़ा टाइम लगता है यहाँ। अब घबराइए नहीं कि चालू नहीं हो रहा है क्या है, लेकिन ये फ्लैशिंग चल रही है, थोड़ी देर बाद यहाँ आपको दिखाई देगी, दूर से दिखाओ। तो इसके बाद हमारे जो स्टूडेंट से पुणे से, वो एक आपको डेड बूट रिपेयर करके दिखाएंगे। कौन से मोबाइल का डेड बूट है बता रहा जरा? सर पैनासोनिक मोबाइल है, पैनासोनिक मोबाइल है। आपने ये दुकान पे फ्लैशिंग किए थे? हाँ सर फ्लैशिंग की थी, लेकिन वो फ्लैशिंग में एरर दे रहा था, है ना। उस एरर को हम क्या करेंगे, किसके थ्रू हम करेंगे, यूएफआई के थ्रू प्रोग्रामिंग करेंगे। जो अभी ऑन नहीं हो रही है डायरेक्ट, क्या बोल रहे हैं, पोर्ट बना रही है डायरेक्ट खाली पोर्ट और फ्लैश नहीं हो रही है। तो अभी क्या करेंगे आप, एमसी खोल के जस्ट प्रोग्रामिंग करेंगे, है ना। वो चाहे कुछ भी हो, हेल्थ रिपोर्ट वेरीफाइड हो, कुछ भी हो, हम कर सकते हैं। अगर चेंज भी करना है तो हम जानते हैं कि कौन सा आईसी लगेगा, क्या लगेगा, है ना। तो फिर खोलो उसको। अच्छा आप बताइए कि अगर मेरे पास कोई फोन डेड आता है तो वो ईएमसी से फॉल्ट है, तो वो हम पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे? पहचानना पता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों लोगों को यही नहीं पता होता है, ईएमसी सीख रहे होते हैं कि डेड फोन में क्या फॉल्ट आता है, कैसे हम पहचाने की वजह से डेड हुआ, ये सब नहीं पता रहता, ये सब नहीं पता रहता। देखिए यहाँ पर सेकेंड फाइल चल रही है, प्रीलोडर हो चुका है, तो ब्लॉक डाटा चल गया है। तो जैसे ही यहाँ पर सिस्टम फाइल चलेगी, आपका यहाँ परसेंटेज चालू हो जाएगा। तो जैसे ही परसेंटेज चालू होता है दोस्तों, उसके बाद हम उसको थोड़ा स्टॉप कर देंगे, ताकि जब वो हो जाए तो हम उसको पूरा दिखा देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। स्टॉप कर दो, पॉज। आईसी निकालते हुए दिखाओ, आईसी निकालते देखिए यहाँ दिखाइए, देखिए ये परसेंटेज चालू हो गई है, आप दूर से दिखाओ तो अच्छे लगेगा। ये जो फ्लैशिंग हो रही है, ये अभी 6% तक हो गया, अभी रिकवरी ब्लॉक डाटा चल रही है, उसके बाद सिस्टम का फाइल चलेगी। बहुत लंबा मोबाइल कनेक्टेड है हमारा, आप देख सकते हैं ये मोबाइल ओप्पो 83 कनेक्टेड है, ऑफलाइन फ्लैशिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इन्होंने अभी एमएमसी निकालेंगे, जो ब्लैक पेस्टेड आईसी है अभी नहीं है, तो हमने खोले थे एक बार, पीछे कर दीजिए उनमें मैडम की फोटो है। हाँ बोलो, क्या आपने फोन किया था, आप बताओ। अच्छा चलो ठीक है, आ रहे हैं।
देखिए यहाँ इन्होंने MMC खोल लिया है, ठीक है। अभी किसके साथ प्रोग्रामिंग करोगे आप? UFI बॉक्स से प्रोग्राम करेंगे सर। UFI बॉक्स के साथ प्रोग्रामिंग करेंगे, देख सकते हैं अभी आप, ठीक है। ठीक है, एक बार रिवॉल्विंग कर लो आप तब तक के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ 25 साथ हो चुका है। बोलो सर, मैं इसे लगा रहा हूँ। किस में लगा रहे हो? बोलते इसमें 2-1 IC है वो लगा रहा है। देखो यहाँ आपको क्या क्या नहीं दिखा रही है, फॉर्मे भी नहीं दिखा रही है। पार्टीशन कहाँ से देख सकते हैं? यूजर पार्टीशन में पार्टीशन भी है नहीं, कुछ भी है नहीं। तो इस MMC को तुम बना सकते हो, है ना? सर आसान से बना, ठीक है। ये देखो दोस्तों, मैं AMC लगा रहा हूँ, प्रोग्राम कर दिया UFI बॉक्स में, इसका प्रोग्राम कर लिया। जरा वो तो ठीक है, लगा ऊपर करो थोड़ा, बोर्ड ऊपर करो थोड़ा, हाँ ऊपर करो, हाँ लगा इसका, ठीक है लगा उसको, सेट करो अच्छे से। ये और काम चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ IC लगा रहे हैं, है ना? लगा फिर तो सेंटर में तो हेड IC लगाना, देख सकते हैं यहाँ IC लगाना इनका कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ देख सकते हैं UFO के साथ इन्होंने प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, ठीक है। अभी ये बोर्ड में लगा के चेक करेंगे कि चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, देखते हैं, है ना। और हमारा यहाँ MRT का फ्लैशिंग भी चल रही है, वहां भी देखा 72% हुआ है अभी तक, ये बहुत टाइम लेता है। तो ये देखते हैं अभी चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। बैटरी सही से लगाओ, डिस्प्ले का कनेक्ट होगा, क्या लगा रहा है? चालू हो चुका है ना?
चालू हो चुके हैं अभी। ये जो प्रॉब्लम आई है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो आप लोग? हाँ सर कर है ना। ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो जो डेड वुड रिपेयर के बाद दिया, डेड वुड रिपेयर के बाद दिया, किसके वजह से आज दिया, फ्लैशिंग के बाद ऐसा आ जाती है, तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो है ना, कर सकते हैं। अभी हमारा यूएसपी जो लगी हुई है एमआरटी में, एमआरटी के बाद हम ये करेंगे है ना जी। तो इनके लिए एक ताली हो जाए, इन्होंने एक डेढ़ सौ रुपया मोबाइल दिया। तो इसकी जो सिस्टम फाइल है, इसके जो सिस्टम फाइल है ना सिर्फ दोस्तों, ये सिस्टम फाइल आप देख सकते हैं कि 4 GB की है। ठीक है, देखिए दोस्तों अब हम इसको लगाते हैं है ना। अभी देखिए डायरेक्ट पोर्ट नहीं बना रहा है, ये मीडियाटेक का डायरेक्ट पोर्ट नहीं बना रहा है, डायरेक्ट चालू हो रहा है दोस्तों। अब ये देख सकते हैं, तो देख रहे हैं अभी क्या चालू करके देखते हैं। सर अगर उन्होंने बोला लीगल चीज होगी, अगर सामने वाले का बिल होगा तो ही रिमूव करना है, अदरवाइज नहीं करना है। देखते हैं दोस्तों ये चार्जिंग हो रहा है, अभी अभी चालू करते हैं इसको। नहीं तो पुलिस को कॉल करते हैं, ठीक है। आप बोल रहे हैं, बोला ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, नहीं ऐसा कोई अकाउंट। ये देख सकते हैं दोस्तों ओप्पो लिख के आए गए है ना, ये चालू हो चुके हैं अभी। सही है, अभी देखते हैं आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ नीचे डॉट आ चुकी है, मतलब सेट हमारा कंप्लीट में चालू हो चुकी है ना। सिर्फ हमने किस किस से फ्लैशिंग किया, एमआरटी से, और फाइल को ओएफपी फाइल को तोड़ के है ना, किससे तोड़े देख सकते हैं दोस्तों। ये चालू हो चुकी है, अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है देखते हैं। ये देखो एफआरपी भी नहीं लगा हुआ है, पिक करते हैं दोस्तों। एफआरपी तो बहुत ओप्पो में बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि स्टार है स्टार स्टार हैच स्टार 812 हैच है ना। और हम न्यू करते हैं, गेट स्टार्टेड। आप देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल चालू हो चुके हैं ओप्पो का हैंडसेट, ठीक है। ये दोस्तों अभी देखते हैं आईमी चेक करते हैं, थोड़ा बहुत ओके है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको अगर यहाँ जानकारी चाहिए इसके बारे में, ओप्पो के जो फाइल हमने कैसे तोड़े, क्या किए, किससे तोड़े है ना दोस्तों, आप यहाँ आके सीखिए और अच्छा नॉलेज लीजिए, नॉलेज से काम कीजिए तो अच्छा होगा। तो थैंक यू। तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है, जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज आप जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6-1 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता, तो बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं ऐसा कुछ, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। इंडिया इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर।
मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना हमारी मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली इसको, अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता है। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था। अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था फेसबुक भी आ रहा था जो सर्किट बना रहा था अच्छा मोबाइल बना के लिए, वो टेक्नीशियन लोग तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए दो तीन स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बहुत अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना मांगे अच्छा देते थे तो लगता था एक हिसाब से। हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेड सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, हाँ तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं से बोले कि इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और भेजो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं नहीं अच्छा, मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Announcing 1001 and 2008 Certify Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.
an ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. सबसे मेन मैटर करता है दोस्तों आपका एसएमडी. एसएमडी आपका कैसा है? अगर एसएमडी आपका अच्छा है तो ये मान के चलिए कि आपका काम अच्छा होना ही है. हीट को मैंने रख लिया है 360 पर और एयर मैंने रखा हुआ है यहाँ पर 2 पर. तो 2 पर एयर रख दिया होगा मैंने.